राहुल जी की एक कविता है जो रश ऑफ लाइफ के ऊपर है। कवि की ऐसी धारणा है, जीवन जो है वो एक किस्म का भाग दौड़ है, भगदड़ी मची हुई है हर इंसान। 10 साल पहले जो हम थे या जहां हम थे वहां नहीं है, हमारे पास है। हमारा चेहरा बदल जाता है, चाल चलन बदल जाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, बाल जैसे थे पहले उस साल, वो अब नहीं है, कम होने लगते हैं। शरीर अजीब है, यहां हो जाते हैं, यहां उगने शुरू हो जाते हैं, कान से उगने शुरू हो जाते हैं, नाक से निकलने लग जाते हैं। अजीब है लेकिन जीवन है, और कविता कुछ ऐसी है। तो जीवन की आपाधापी में कब मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना हमने क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में, हर एक यहां भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी दे ले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहां क्या यहां जाऊं किस जाऊं, फिर एक तरफ आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेल लेन में। बफर से संबंधित एक केस में लंदन कोर्ट ने आपको और आपके भाई अजिताभ को बाइज्जत रिहा किया, इसी में आप हमें कुछ बताइए। कई सालों से देखिए एक गलत आरोप हमारे परिवार पर लगाया जा रहा था, और पहले दिन से ही इसका खंडन किया। थोड़ा बहुत उस जमाने में मैं पत्रकारों से जो बात कर रहा था उसके लिए, लेकिन जनवरी 1990 में, जनवरी के अंत में एक अखबार में, अखबारों में एक खबर छपी जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि बोफोर्स सौदे में केवल 5 अकाउंट नहीं है। ये तो निश्चित हो गया था बहुत से पेपर्स के द्वारा, जैसे कि हिंदू था और इंडियन एक्सप्रेस, इन्होंने तय कर लिया था और डॉक्यूमेंटेशन भी दे दिया था, इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी था कि स्विस बैंक में 5 अकाउंट हैं जिनमें कि बोफोर्स दलाली का पैसा गया हुआ है। इस अखबार की ने यह कहा कि केवल 5 अकाउंट नहीं है, एक छठा अकाउंट भी है, और वो छठा अकाउंट जो है वो अजिताभ बच्चन का है। इस बात का हमने खंडन किया, खंडन छपा भी, और फिर हमने ये जानना चाहा कि खबर क्यों छपी, ये गलत खबर है और इसमें कोई सत्य नहीं है। और हमें पता चला कि ये एक स्वीडिश न्यूज़पेपर था, स्वीडन का एक न्यूज़पेपर था, डागन नाहेटर, जिसने ये एक कहानी लिखी कि उनको पता चला है कि एक छठा अकाउंट भी है और वो अकाउंट जो है वो अजिताभ बच्चन का। और इस पर हमने मानहानि का एक मुकदमा जारी किया लंदन में और स्वीडन दोनों। हमने उनको चैलेंज किया कि वो सबूत लाएं, जिस बात के बारे में उन्होंने लिखा है उसका सबूत दें, और अगर वो सबूत नहीं दे सकते हैं तो फिर उसका दंड। तो लंदन में हमने ये मुकदमा किया, लाइबल केस किया, और इसकी सुनवाई हुई जुलाई में, और बाकी तो सब आपको जानते ही हैं कि अखबारों में जो छपा हुआ। यूं कि मुकदमा शुरू होने से पहले ही, जैसे ही हम लोग हाईकोर्ट में गए, वहां पर क्वींस बेंच, वहां पर जो डागन नाइटर जो स्वीडन का अखबार है उसके लॉयर्स ने आकर के हमारे लॉयर्स से कहा कि हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि हम अपनी कहानी को एक स्ट्रेंथ दे सके या ये मान सकें कि जो हमने लिखा था वो सच था, और हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं।
फिर बात निर्णय के लिए जज के पास गई और डागिन नागेटर ने के लॉयर ने इस बात को माना कि इस बात में कोई सत्य नहीं है और हम माफी मांगने के लिए या जो भी दंड देना है इस मामले में वो देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद जज ने मुकदमा रद्द किया, उन्होंने अपनी जो माफी थी वो कोर्ट में पढ़ी और ये केस हमने वहां जीता। केस तो हमने जीत लिया और हमारे मन में कभी कोई ऐसी शंका नहीं थी कि हम ये केस हार जाएंगे, क्योंकि हम जानते थे कि हम इस तमाम मामले में कभी भी इन्वॉल्व नहीं थे और गलत तरीके से हमारा नाम इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन दुख इस एक बात का हुआ, वो ये कि जो लंदन के कोर्ट में स्टेटमेंट दिया गया और जो कि वहां के अंग्रेजी जज ने पढ़ा, उसमें उस अखबार के लॉयर ने ये कहा कि हम इस बात को अब मान गए कि अजिताभ बच्चन के पास कोई ऐसा अकाउंट नहीं है और बोफोर्स के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम एक और बात भी मानना चाहते हैं और वो ये कि हमें जो खबर मिली थी वो खबर हमें भारत सरकार की जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है उसके जरिए से मिली थी। तो ये तो इस तरह से बहुत बड़ा धोखा था इस इन्वेस्टिगेटिव टीम का कि उन्होंने भारत सरकार के जरिए एक विदेशी अखबार को ये गलत खबर एक प्लांट की, एक तरह से उसमें गलत खबर उन्हें दी कि आप इस बारे में लिखिए कि अजिताभ बच्चन का एक छठा अकाउंट है। और किस तरह से एक एक मासूम आदमी को आपने गलत तरीके से इल्जाम लगाने की कोशिश की, इस बात का बहुत दुख हुआ। हम मुकदमा जीत गए, ये तो हम आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी जीत ही जाते, क्योंकि हमने तो पहले दिन से ही कहा है कि हमारा मन साफ है और जिसे भी जो आरोप लगाना है वो लगाए, लेकिन आरोप का कोई बुनियाद होना चाहिए। आपके पास प्रूफ क्या है? सबूत आपके पास? आज तक कोई सबूत ला पाया है? लेकिन चार साल से जिन लोगों ने छतों पर भारतवर्ष के हरेक घर के ऊपर खड़ा होकर के चीखा और चिल्लाया कि अमिताभ बच्चन जो है वो चोर है या अजिताभ बच्चन जो है वो चोर है, उनसे अब प्रश्न पूछना चाहिए कि आपके पास कहां था वो सबूत? कभी आपके मन में था वो सबूत? सबूत की तो बात छोड़िए, अब इस मुकदमे से ये जाहिर हो गया कि जब आपको सबूत नहीं मिला तो आप गलत तरीके से किसी तरह हमें फंसाने की कोशिश कर रहे थे। और ये लंदन के कोर्ट में क्वींस बेंच के एक जज ने ये फैसला, ये स्टेटमेंट पढ़ा। देखिए, हम तो मुकदमा जीत गए, हमें बड़ी खुशी इसके बारे में, लेकिन जिस समय मैं उस लंदन कोर्ट में बैठा हुआ ये निर्णय सुन रहा था, तो एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा कि एक विदेशी कोर्ट में एक विदेशी हमारे भारत, हमारे देश की निंदा कर रहा। और मैं आपको एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी में बताता हूं, उन्होंने कहा कि वी वर मिसलेड बाय अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द इन्वेस्टिगेटिव टीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि क्योंकि ये बात हमारे साथ इसका संबंध है इस बात का, लेकिन मैं एक आम नागरिक भारत की आम जनता से पूछना चाहता हूं कि जब भारत सरकार की इन्वेस्टिगेटिव टीम के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया गया है तो वो क्या कर रही है भारत सरकार, और ये टीम कंप्राइज क्या करती है, किन लोगों की थी ये टीम? इस टीम में आपकी पुलिस डिपार्टमेंट, देश की पुलिस डिपार्टमेंट का नंबर वन और नंबर टू, प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर का नंबर वन आदमी, ये टीम कंप्राइज करती है इन लोगों की। यही लोग गए थे ना बोफोर्स की जांच करने विदेश। अब जब इन लोगों के ऊपर एक विदेशी जज इतना बड़ा आरोप लगाता है तो हमारे और आपके लिए तो कोई भरोसा नहीं है। इतना बड़ा इल्जाम जब भारतवर्ष के इतने दिग्गज लोगों पर लगाया जाता है तो ये जो सड़क पर जो कांस्टेबल